अच्छा, आप इतना समझ गए कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग रिसर्च करती हैं। वो मार्केट में जाती हैं, कस्टमर्स से पूछती हैं कि उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग कैसा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बनाती है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग एकदम से कॉन्सेप्ट आ गया। पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था वो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट ही चलता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी और बेचती थी और प्रॉफिट कमाती थी, बस। उन्हें ये मतलब नहीं था कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलता है? अगर कस्टमर को हम 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 100 रुपये की चाहे आप नोटबुक ले लिए, 100 रुपये का कोई खाना है वो हम बेच रहे हैं, तो वो 100 रुपये में अगर कोई चीज़ परचेज करता है तो कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने जो 100 रुपये खर्च करे हैं वो मेरे वर्थ हैं, मुझे उसकी पूरी वैल्यू मिली है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पैसे ज़्यादा चले गए हैं मगर मुझे चीज़ कम मिली, या मुझे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिला। तो आप इसे स्लाइड में देखिए कि मार्केटिंग की उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करी है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। क्या कह रहे हैं? एक सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कंपनी जा रही है कस्टमर के पास उनकी नीड एंड वांट्स को पहचानने के लिए, जानने के लिए, और उसके हिसाब से, और सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं एज वेल एज ग्रुप्स की भी। ग्रुप्स आपकी सोसाइटी का भी नीड एंड वांट हो सकती है कि एक सोसाइटी को क्या चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या चाहिए, वो दोनों चीज़ें देखते हैं। ऑब्टेन्स व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज विद अदर्स। क्या कर रहे हैं वो लोग? नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कस्टमर्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज मतलब प्रोडक्ट बेचा और पैसे ले लिए। प्रोडक्ट एंड वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं विद अदर्स। ये डेफिनेशन आपकी फ्लिप कॉटलर ने इजी वर्ड्स में डिफाइन करी है। अगर हम मार्केटिंग को समझें तो दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स कोर कॉन्सेप्ट। इस डेफिनेशन में क्या है? कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे? नीचे है आपको बताया है नीड्स। नीड्स क्या होती है? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, नीड्स मीन्स जो हमारी बेसिक या जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान। अगर हम सिंपली वर्ड्स में बोलें कि अगर हमें जिंदा रहना है, लाइवली रहना है, तो हमें खाना चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए। तो ये नीड्स हैं जो हम, जिसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते। इससे ऊपर थोड़ी हायर लेवल पे जो आ जाती है वो हमारी वांट्स आ जाती हैं। वांट्स मैं आपको ये आगे डिफाइन करूँगी कि वांट्स कैसे नीड्स, वांट्स एंड डिमांड हमारी डिफर करती हैं। उसके बाद हमारे इस डेफिनेशन में प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन किया है। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्लोथ्स भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, नोटबुक भी हो सकता है, स्कूल बैग भी हो सकता है, आपके फूड आइटम्स भी हो सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग फॉर प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स आपकी सर्विसेज के फॉर्म में भी होती हैं, जो आप लोग सलून जाते हैं या आप अमेज़ॉन की जो सर्विसेज आप लेते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है। क्या कर रहे हैं लोग? वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? कस्टमर को। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कस्टमर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और वो आप डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, यह कंज्यूमर या कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। वो नहीं अगर सेटिस्फाई है तो फिर आप मार्केट में एग्जिस्ट या सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मार्केट्स एंड मार्केटर्स कर रहे हैं। एक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग, कस्टमर्स जाते हैं शॉप्स पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और वो एक्सचेंज में क्या करते हैं? परचेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी आपका जो नोट्स एंड कॉइन्स हैं उसके थ्रू परचेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे डिफाइन कर रहे हैं नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड क्या होती है? अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीविएशन ऑफ सम बेसिक सेटिस्फैक्शन। जो हमें बेसिक सेटिस्फैक्शन मिलता है, बेसिक सेटिस्फैक्शन हमें किससे मिलेगा? आपको कपड़े चाहिए, वो बेसिक चीज़ है। वो बात सेकेंडरी बात होती है कि आपको एथनिक पहनना है, आपको फैंसी पहनना है, आपको वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना है, वो आपकी नीड सेकेंडरी हो जाएगी। बट बेसिक नीड क्या होगी आपकी? कि आपको क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर, घर चाहिए रहने के लिए, फूड चाहिए। फूड में आप क्या खाते हो वो आपकी वांट्स में आ जाता है। अब नीड, अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं कि अगर हमें किसी को भूख लगी है
तो भूख हंगर क्या है, भूख मिटाने के लिए हंगर इज अ नीड, कि हमें फूड चाहिए या हमें प्यास लगी है तो हमें प्यास बुझाने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूसेस चाहिए, वो हमारी नीड हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉन्ट। वॉन्ट्स आर द डिज़ायर्स फॉर स्पेसिफिक सेटिस्फायर्स फॉर द डीपर नीड्स। डीपर नीड्स, अब उनका भूख लगी है, ठीक है, खाना खाना है, खाना खाने से हमारी भूख मिटेगी, बट खाने में क्या खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है या रोटी से हमारी भूख मिटेगी, तो हमें चाहिए क्या, उस भूख को मिटाने के लिए उस वक्त क्या चाहिए, वो आपकी वॉन्ट्स हो जाती हैं। नीड्स आर फ्यू एंड वॉन्ट्स आर मैनी, उनका नीड्स तो कम होती है, भूख लगी है ये तो छोटी सी बात है, बट उस भूख को मिटाने के लिए हमें पिज़्ज़ा भी खाना है, हमें बर्गर भी खानी है, हमें चाउमिन भी खाना है या हमें रोटी भी खानी है, वो आपकी वॉन्ट्स जो होंगी वो बहुत सारी हो गई जो कभी भी फिनिश नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होता है, इन्होंने कहा नीड एंड वॉन्ट आपकी ठीक है, हमें भूख लगी है खाने के लिए, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, मगर पिज़्ज़ा चाहिए जब तक आपके पास पैसा नहीं है या मनी नहीं है उसको परचेज करने के लिए, तब तक वो चीज़ डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो एनी वॉन्ट विच इज़ बैक्ड बाय मनी, मनी का होना ज़रूरी है, अगर मनी नहीं है और उसको आप परचेज नहीं कर सकते हो, एबिलिटी नहीं है परचेज करने की, तब तक वो वॉन्ट डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। आप बाहर खड़े हैं, आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, आपको भूख लग रही है, बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज अ बर्गर और यू डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज अ कोल्ड ड्रिंक, देन दे इट विल बी अ वॉन्ट, इट विल नॉट चेंज इन टू अ डिमांड। नेक्स्ट स्लाइड देखते, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या, मार्केटिंग, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मार्केटिंग में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एनालिसिस, हम एनालिसिस कर रहे हैं, किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, कंज्यूमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स की। फिर हम क्या करते हैं, कंपनी, हम अगर जो भी मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बींग एन कंपनी या मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उस समझेंगे, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं कंज्यूमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स, उसके बाद हम उसको प्लान करते हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, हम उसको कैसे बेचेंगे, क्या रहेगा, फिर उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बाय लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट या सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्स, उसको कंट्रोलिंग भी करते हैं। हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स, पैम्फलेट्स लगाते हैं हम, कि बताने के लिए कस्टमर को कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कराया, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं या फिर आपको एक क्विज कंडक्ट कराते हैं, जिस तरह से भी हम बता सकें कस्टमर को कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है या हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वह आप बताएंगे। किस लिए करते हैं, विच इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट, बिल्ड एंड मेंटेन द बेनिफिशियल एक्सचेंजेस। हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास से हमारे नीडी कस्टमर या कंज्यूमर के पास पहुंच जाए और उसके बदले में एक्सचेंज में उन्हें प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हो जो मनी इन रिटर्न मिलेगा वो मिल जाए, एंड उसके साथ साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना विद द टारगेट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पैसा मिल जाएगा, बात वहाँ ख़त्म नहीं होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट में, बट क्या करेंगे हम, जो टारगेट मार्केट होगी हमारी उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। अब ये कैसे होता है, जैसे आप लोग जाते हैं मॉल शॉपिंग करने जाते हैं, बिग बाज़ार गए, पेंटालूंस गए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको एक कार्ड, गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं या वाउचर कार्ड्स मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर हमारे यहाँ आए तो बीइंग एन हैप्पी कस्टमर उसको हम डिस्काउंट दें, उसको कुछ इस तरह से मोटिवेट करें कि वो कस्टमर हमारा लॉयल बन जाए, वो रिपीटेटिवली जो भी परचेज करे वो हमारे यहाँ से ही परचेज करेगा। तो दिस इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स एक मार्केटिंग का जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक्सचेंजेस भी करना कस्टमर के साथ, और उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट आया कैसे, डायरेक्टली तो हम मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर दी, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोडक्ट
प्रोडक्शन ओरिएंटेशन स्टेज आया जहाँ पे हमने फोकस जो था कंपनीज़ का फैक्ट्रीज़ का वो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा बनाओगे तो प्रोडक्ट मार्केट में ही दिखेगा बिकेगा। आगे इसका डिटेल में हम समझेंगे। सेल्स ओरिएंटेशन, यहाँ पे सिर्फ सेल्स को फोकस किया जाता था। फिर आया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे कस्टमर की नीड्स को वांट्स को आइडेंटिफाई करके और उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता। आज के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आपका चलता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन ओरिएंटेशन स्टेज चलता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज क्या है कि मीन्स यहाँ पे हम उनकी सोशल नीड्स से भी कंसर्न है। जैसे कि हमने एथिक्स में भी पढ़ा था जो CSR कॉन्सेप्ट कह रहा है, प्रोडक्ट बिक गया सेटिस्फैक्शन भी मिल गया बट हम सोशल नीड्स हो गई आपकी लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल करना। अब ये कैसे करते हैं हम प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अब टॉक्सिक प्रोडक्ट्स से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या आप कह सकते हो वो नॉन केमिक पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपको ममा अर्थ का देते हैं। ममा अर्थ बहुत एक ह्यूज ब्रांड है पर्सनल केयर में जो क्या करता है वो नो केमिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप उनके शैम्पूज ले लो, क्रीम्स ले लो, कुछ भी ले लिए। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अब एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, एक आपका आज का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, टॉक्सिक्स हो गए हैं, केमिकल्स हो गए हैं, जस्ट टू मेक द हेल्दी लिविंग ऑफ द पीपल। तो बहुत सारे लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे जो ये आपके 5 कॉम्पिटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, क्या क्या हैं आपके इसमें, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका इसमें जो 5 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ये मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मतलब कैसे हमारा जो इवेल्यूएट हुआ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो आपको यहाँ पे बता रखा है। तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड देन मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जो आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंपनी जो थी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी। अपना हम टर्म से समझ रहे होंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। कुछ भी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जब ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा वो मार्केट में जाएगा, लोगों को फिर वही प्रोडक्ट दिखेगा, फिर वही प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे। तो कंपनी क्या कहती थी कि कंपनी प्रोड्यूस ज़्यादा करे, प्रोड्यूस मोर एंड मोर करे, ठीक, और प्रैक्टिकली सेल इटसेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे वो मार्केट की दुकानों में आपको जब कस्टमर जाएगा तो उन्हें दुकानों पे वही प्रोडक्ट दिखेगा और जब वो दिखेगा तो कस्टमर वही प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये जो था आपका वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट। जब हम एक चीज़ है कि कंपनी जो चीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती है तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कम आती है उनके लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा जब प्रोडक्ट हम ज़्यादा बनाएंगे तो वो मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा होगा और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। Therefore increase the production and cut down the cost। इसलिए उन्होंने कहा प्रोडक्शन बढ़ाइए और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करिए। एंड बिल्ड द प्रॉफिट थ्रू द वॉल्यूम, और क्या करेंगे जब हम ज़्यादा बनाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। अब लोग 1 किलो खरीद रहे थे तो 2 किलो खरीदेंगे, अगर 3 साबुन थे तो वो 6 साबुन खरीद रहे होंगे कॉस्ट कम की वजह से। तो उससे उनकी प्रोडक्शन प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और दैट प्रोडक्ट विल सेल इन वॉल्यूम्स, बिग वॉल्यूम्स। नेक्स्ट आपका जो फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मार्केट उस टाइम चला, फिर उसके बाद मार्केट डिक्लाइन होने लगा, जब लोग बोर होने लगे उतने एक जैसे प्रोडक्ट से, तो उस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से मार्केटर्स या कंपनीज जो थी वो शिफ्ट हुई आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने कहा प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स। उन्होंने कहा अब ये नहीं कहना है कि हम जब 100 के 1000 गुड्स बना रहे हैं, उन्होंने कहा 100 प्रोडक्ट्स बनाओ बट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ। वहाँ पहले वो क्या कर रहे थे, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी में डिग्रेडेशन कर दे रहे थे या हेरा फेरी कर दे रहे थे, अच्छे रॉ मटेरियल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कस्टमर उनका प्रोडक्ट उस टाइम फिर वहाँ पे नहीं वो कॉन्सेप्ट चल सका। फिर नेक्स्ट जो मार्केटर्स जो आए वो आपके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पे जो फोकस होगा वो हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे रहेगा।
प्रैक्टिकली सेल्स इट सेल्फ इफ इट गिव्स मोस्ट क्वालिटी फॉर मनी. इन्होंने कहा वो अपना प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा अगर वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा कस्टमर को या वर्थ प्रोवाइड करेगा फॉर द मनी. कि अगर वो 100 रुपए की चीज खरीद रहा है तो उसे हाँ लगना चाहिए कि 100 रुपए में चीज बहुत अच्छी हमने खरीदी है. तो बायर एडमायर्स वेल एंड वेल मेड प्रोडक्ट्स एंड कैन अप्रेज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. उनका जो बायर्स हैं हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे उस प्रोडक्ट को जो बहुत अच्छे से बना है एंड कैन अप्रेज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. अब ये भी कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़े टाइम तक चला, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम आने लगी. उसके बाद प्रोडक्ट से भी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हुए थे. पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं. कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड और इनोवेटिव फीचर्स. उन्होंने कहा कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी देगा और उन्हें इनोवेटिव फीचर्स देगा. अब जैसे थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जैसे पहले था कि सैमसंग मोबाइल ज़्यादा बिक रहा था आपका या आईफोन ज़्यादा सेल आउट होता था या नोकिया था, बट बीच में क्या हुआ, माइक्रोमैक्स वो लो कॉस्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट देने लगे. सेम आपके MI ने भी करा कि वो कम क्वालिटी पैसों में आपको हाई क्वालिटी कैमरा, हाई फीचर्स, GBs प्रोवाइड करने लगे. तो इससे क्या हुआ, कस्टमर खुश हो गया कि हाँ इतने पैसे में हमें इतना क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है. तो दे स्विच्ड ओवर फ्रॉम सैमसंग टू MI और टू माइक्रोमैक्स. नेक्स्ट पॉइंट है देयरफॉर इम्प्रूव क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. उन्होंने कहा प्रोडक्ट अपने आप अच्छा बिकेगा जब आप उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं. क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट का जो है, अगर हम प्लास्टिक का भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हल्की फुल्की प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए. क्लोथ अगर बन रहा है तो अच्छे स्टफ, अच्छा थ्रेड्स यूज़ होना चाहिए आपका. अगर मोबाइल हम खरीद रहे हैं तो मोबाइल मीन्स बैटरी जो है उसकी पर डे जो है वीक नहीं होनी चाहिए या हैंग अप नहीं होना चाहिए या बार बार आपका चलना बंद नहीं होना चाहिए. वो हो गई आपकी परफॉर्मेंस. एंड फीचर्स की बात करें तो मीन्स उसमें वहाँ पे आप वीडियो कॉल अच्छे से कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, नोट्स बना सकते हो, वट एवर द XYZ फीचर्स मोबाइल प्रोवाइड्स यू. दिस वुड लीड टू इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट. उन्होंने कहा ये चीज़ अगर हम करते हैं, क्वालिटी देते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ये हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को भी इंक्रीज करेगा और साथ साथ जब सेल्स बढ़ेंगी तो आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से भी नेक्स्ट हमारा एक एरा या आप कह सकते हो कुछ टाइम बाद जो कंपनी स्विच ओवर हुई वो ही आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट पे. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने कहा सेलिंग कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स हैव नॉर्मल टेंडेंसी टू रेजिस्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट ये मानता था कि अगर कस्टमर मार्केट जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो अगर उसको पसंद नहीं आता है या उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो टेंडेंसी होती है कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, रेजिस्ट करेगा कि हम नहीं खरीदें. या आप समझ लो हम बाजार गए, हम 100 रुपये की चीज़ लेने गए, हमें चीज़ एक और भी अच्छी लग रही है बट हमें नहीं खरीदना है. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोड्यूस एंड सेल इट. कैसे, इन्होंने कहा अग्रेसिव सेलिंग करिए एंड प्रमोशन एफर्ट्स डालिए. अग्रेसिव सेलिंग कैसे होगी, उन्होंने कहा बाय वन गेट वन फ्री, गेट अ स्मॉल पैकेज विद द बिग वन. मतलब एक बड़े के साथ छोटा फ्री मिल रहा है, या इसके साथ आपको ये शैम्पू फ्री मिल रहा है, या सोप फ्री मिल रहा है, या इसके साथ आपको शूज़ के साथ सॉक्स फ्री मिल रहे हैं. ये एग्रेसिव सेलिंग हो गई. प्रमोशन एफर्ट्स हमने बढ़ा दिए. प्रमोशन एफर्ट्स अब कैसे, या तो हो सकता है हमने अपने कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर करा रहे हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. या उन्होंने क्या करा, घी परचेज करिए इसके अंदर आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा या गोल्ड पेंडेंट मिलेगा. ये सारे एफर्ट्स बढ़ा दिए. तो इससे क्या, उन्होंने कहा प्रमोशन एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो उससे कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली परचेज कर लेगा. मेकिंग सेल्स बिकम्स प्राइमरी फंक्शन. उन्होंने कहा सेल्स को प्राइमरी फंक्शन बना दी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को उन्होंने सेकेंडरी बना दिया. उन्होंने कहा सेल्स होनी चाहिए, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से सेल्स कराओ, वो हमारा प्राइम मोटिव है. उसके बाद सेटिस्फैक्शन उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, बट प्रोडक्ट बिकना चाहिए. यह आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट में था. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका इसमें है, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट के कुछ उन्होंने जो फीचर्स
कुछ. सेलिंग कॉन्सेप्ट के आपके फीचर्स इसमें क्या हैं? उन्होंने कहा कंज्यूमर इफ लेफ्ट अलोन विल नॉट बाय इनफ ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट. उन्होंने कहा अगर हम कंज्यूमर को मार्केट में अकेला छोड़ते हैं, मतलब उसे फोर्स नहीं करें कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है या इतना डिस्काउंट मिल रहा है या इतने कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है या उसके साथ कूपन्स मिल रहे हैं, अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. तो कंपनी का क्या मानना हो गया कि कंज्यूमर को अकेला नहीं छोड़ना. अकेला नहीं छोड़ने का मतलब हम उसके साथ साथ नहीं घूम रहे, उनके माइंड में बने रहना हर वक्त कि हाँ इस प्रोडक्ट पे ये ऑफर चल रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ हमें ये फ्री मिल रहा है या इसके साथ हमें ये मिलेगा या कुछ छोटा पैकेज मिलेगा हमें. Therefore promotes sales aggressively. उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, सेल्स को किसी भी तरीके से aggressively means बहुत ज़्यादा हाई एफर्ट्स लगा देना कि हमारे सेल्स जो है इंक्रीज हो जाए, चाहे हम डोर टू डोर सेल्स करें चाहे किसी भी तरह की सेल्स करें, वो आपको इंक्रीज करना है. और जब सेल्स इंक्रीज होंगी तो अभी हमारा प्रॉफिट अर्न होगा और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनके लिए सेकेंडरी रहेगा. उन्होंने कहा एंड बिल्ड द प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्न ओवर. तो उन्होंने कहा जैसे क्विक टर्न ओवर होगा, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट अर्न करेंगे हम. नेक्स्ट, अब सेलिंग कॉन्सेप्ट भी आपका एक टाइम तक चला, फिर उसके बाद मार्केट डाउन होने लगा, तब कंपनीज जो थी वो आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आने लगी. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? उन्होंने कहा लव द कस्टमर नॉट द प्रोडक्ट. उन्होंने कहा कस्टमर से प्यार करिए. कैसे प्यार करिए? मीन्स उसकी नी ज़रूरतों को पहचानिए. उन्होंने कहा अगर भूख लगी है तो वो क्या खाना पसंद करेंगे, स्नैक पसंद करते हैं तो स्पाइसी पसंद करेंगे, क्या हेल्दी फूड पसंद करेंगे, या फिर उन्हें कहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे है तो वो कैसे जाना पसंद करेंगे, कपड़े पहनना है तो उन्हें एथनिक पहनना पसंद करेंगे, वेस्टर्न पसंद करेंगे, मीन जो भी वो चाहते हैं उनकी नीड्स एंड वॉन्ट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना. ये नहीं कि हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी तरह के से बेच रहे हैं कस्टमर खरीद ले. उन्होंने कहा कस्टमर को क्या चाहिए वो समझो पहले और उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. कंज्यूमर के बारे में हम क्या करेंगे, लर्न व्हाट दे वांट. उन्होंने कहा हम लर्न करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे लर्न करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. ये जो MR लिखा हुआ है, MR मीन्स मार्केटिंग रिसर्च होती है. मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज क्या करती हैं कभी कभार मार्केट में जाके नॉर्मली रैंडम कस्टमर्स से पूछती हैं कि हमें क्या सो एंड सो प्रोडक्ट लॉन्च करना है या सो एंड आपकी क्या चाहिए, कोई नीड एंड वांट है उसके हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चनेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आपकी मार्केटिंग रिसर्च होती है. अब वो क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद जब वो जान लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, तब कंपनी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है. और प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो मार्केट में लेके आती है, उसको सेल करती है, और सेल करने के बाद सेल व्हाट दे वांट मीन्स सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर. जब वो पहचान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे हम, और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के जब कस्टमर को बेचेंगे तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसको उसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, ठीक है. कैसे, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने कहा बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अब कल उन्होंने कहा कि कलर करना है, कलर कैसे करते हैं, हेयर डाई कलर उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, उसमें भी उन्होंने एक्सटेंशन लाया कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि केमिकल फ्री होना चाहिए. हाथ खराब हो जाते हैं तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप ग्लव्स लीजिए, टाइम वेस्टेज कुछ नहीं है, ब्रश वर्श करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हैं आप वैसे ही बालों में लगाइए, आपका हेयर कलर हो जाएगा. तो क्या है, लोग चाहते हैं कि हमारे टाइम ज़्यादा ना लगे, कि हम डाई लगा के बैठे हैं आधा घंटा, फिर उसके बाद हमारे हेयर कलर्ड होते हैं, फिर दिन वॉश करें उसके बाद, तो ये सेविंग ऑफ द टाइम हो गया. बहुत सारी चीज़ें आज आप देखेंगे कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में जो हैं वो क्रिएटिव आ गई हैं. आप किचन टूल्स देखिए, अब जो हमारा कॉर्न होता है, कॉर्न के दाने निकालने वाला आ गया है, वेजिटेबल कटर्स आ गए हैं, ये सब क्यों आए हैं, जस्ट टू सेव द टाइम एज वेल एज मनी. तो ये सारी चीज़ें जब कैब आई हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आई, जो कैसे स्टार्ट हुआ, कंज्यूमर की मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हम नीड्स एंड वॉन्ट्स आइडेंटिफाई करी और वो हमने प्रोड्यूस करा प्रोडक्ट, प्रोड्यूस करने के बाद उसको हमने मार्केट में सेल करा, और जब वो सेल हुआ तो कंज्यूमर को या कस्टमर को हमारे सेटिस्फैक्शन मिल गया.
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नीड्स. व्हाट इज द की गोल? अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब देखो, हर बेसिक चीज़ ये है कि हर कंपनी का गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना. ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. किसी भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लगाया है तो दे वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स. अगर उन्होंने 10 लाख लगाए हैं तो वो 20 लाख या 30 लाख चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का. ये तो हम डिनाई नहीं करेंगे. बट वो अचीव कैसे करते हैं, कैसे अपने प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो मैटर करता है. तो इसलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव करना है, बट कैसे करना है? जो हमारा टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट मतलब जिसको हम फोकस करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं. अब जैसे बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनीज आप ले लो, लिलीपुट था, फ्राई फर्स्ट क्राई है. तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनका टारगेट मार्केट क्या है? चाइल्ड, बच्चे. ठीक है, सर्टेन एज के हैं, नॉट अप टू द एज ऑफ 15, उससे छोटे छोटे 10 ईयर्स तक के हो गए आपके. तो ये टारगेट मार्केट है और उनको सेटिस्फैक्शन मीन कपड़े कंफर्टेबल होना चाहिए. अब उनके सेटिस्फैक्शन कौन देगा? पेरेंट्स देंगे. एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन द कॉम्पिटर्स. क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट तो सब बनाएंगे, कॉम्पिटिशन भी मार्केट में बहुत होगा. आपका लिलीपुट भी है, फर्स्ट क्राई भी है, बाकी और ब्रांड्स भी अवेलेबल होंगे. बट जो है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले. कैसे मिले? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन द कॉम्पिटिटर्स. हमारा कॉम्पिटिटर भी वही बना रहा होगा, बट हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे कस्टमर? कि उसको प्राइस भी सुटेबल लगना चाहिए और विद लो कॉस्ट, या आपका कह सकते हैं कि उसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए. वो तभी आपका कस्टमर या कंज्यूमर जो है कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आएगा. एंड बिल्ड प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी. उन्होंने कहा प्रॉफिट बिल्ड करिए, नो डाउट यू विल अर्न द प्रॉफिट, बट विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी. अगर ये नहीं करोगे तो कम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे और एक टाइम आएगा आपको मार्केट एग्जिट करना ही पड़ेगा. अब आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ प्लस सोसाइटी का वेलबींग कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स वो ठीक है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं हम, ठीक है, मगर हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? मीन्स एक कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी वेलबींग के लिए क्या कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आता है. तो ये एक्सटेंशन है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, जो क्या कहता है, बैलेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन. 3 कंडीशंस हैं, उनको बैलेंस बना के रखना. बैलेंस कैसे क्या है? कस्टमर के वॉन्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी आपका कस्टमर है जो चाहता है वो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. सोसाइटीज़ वेलबींग. सोसाइटीज़ वेलबींग आप कैसे सोच सकते हो कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हो उसका कुछ पोर्शन आप डोनेशन, चैरिटी या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, CSR के लिए डोनेट कर दे रहे हैं, या एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर कहीं आप पैसा डोनेट कर रहे हैं. जैसे आपका फॉर बेस्ट एग्जाम्पल ITC है. ITC क्या करता है, 1 रुपी डोनेट कर रहा है ऑन एवरी परचेज ऑफ देयर नोटबुक्स और वट एवर द मटीरियल दे प्रोवाइड. तो वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी का वेलबींग कर रहे हैं. नीडी होटल्स, बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स क्या करते हैं, जो खाना बच जाता है रात का वो फ्री में फूड जो नीडी पीपल हैं, हंग्री पीपल हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. और साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि हम जितना कमा रहे हैं सब लौटा दें, आपको प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए. तो इन 3 पॉइंट्स का बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी आप सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंडक्ट कर सकते हैं. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? होल्ड्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन टास्क. ऑर्गेनाइजेशन टास्क क्या है? प्रोडक्ट बनाओ अच्छे से, बेचो और उनके सेटिस्फैक्शन अचीव करो. इज टू डिटरमाइन करना नीड्स, वॉन्ट्स, इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट. जो भी टारगेट मार्केट है आपका, चाहे वो आपके सीनियर सिटीजन हों, चाहे आपके अडल्ट एज के ग्रुप के हों या चाइल्ड ग्रुप के हों, उन टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करो. एंड टू डिलीवर द डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दैन कॉम्पिटिटर्स इन वे दैट प्रिजर्व और एनहेंसेस. किस तरह से करना है, ताकि जो कंज्यूमर की या सोसाइटी का जो वेलबींग है वो इंक्रीज होना चाहिए. सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, आपने उन्होंने कहा डाई चाहिए हेयर कलर करने के लिए, आपने दे दिया, बट क्या है, आपने ऐसी डाई प्रोवाइड करा दी उनको, तो जो लगाने के बाद हल्के हल्के वो गंजे होने लगे या बाल गिरने लगे,
या वॉट एवर उन्हें कुछ कैंसर हो गया, तो ये क्या हुआ, ये वेलबींग नहीं हुआ। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए उनके नीड्स एंड बॉन्ड सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उनकी वेलबींग भी इंक्रीज़ हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो। इट एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, ये क्या करता है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एड्रेस करता है जो कॉन्फ्लिक्ट इसके बीच में है, कंज्यूमर्स का जो शॉर्ट रन है वेलफेयर एंड फर्म्स का जो शॉर्ट रन है लॉन्ग रन वेलफेयर है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाता है। अब जैसे कंपनी है, कंपनी का शॉर्ट रन वेलफेयर क्या होगा, जल्दी जल्दी पैसा कमाना और ग्रो जाना। लॉन्ग रन वेलफेयर होगा कि हाँ हम अच्छा भी कर रहे हैं काम, प्रॉफिट भी हल्के हल्के कमा रहे हैं, तो आज नहीं कल जो है हम टॉप पे बन जाएंगे। तो ये आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये कुछ एक आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस दिया है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ सेलिंग का ही शो है कि सेलिंग में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट होती हैं। उन्होंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट, सेलिंग मतलब अगर कंपनी की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, तो वो शुरू कहाँ से होता है आपका, शुरू होता है आपका फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से मतलब वहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है। किस चीज़ पे वो फोकस करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में या प्रोडक्ट्स बनाने में। मींस क्या है उनका, प्रोडक्ट बेचने का, सेलिंग और प्रमोट करना, मतलब प्रोडक्ट जो है दुकान तक पहुंच जाए मार्केट की और उस पर प्रमोशन, चाहे वो हो सकता है कैश डिस्काउंट दे दें, बाय वन गेट वन फ्री दे दें, बाय बिग गेट स्मॉल पैकेज फ्री, ये कुछ प्रमोशन एफर्ट्स वो यूज़ करते हैं। और वो एंड किस पे होना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में। ये जो है आपका वो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्ट फैक्ट्री से होता है और एंड प्रॉफिट पे होता है और सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे होता था। बट जो एक्सटेंशन आया हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो है मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अपनी कंज्यूमर से स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हो टारगेट मार्केट से स्टार्ट होता है। जो टारगेट मार्केट से स्टार्ट होता है बाय आइडेंटिफाइंग देयर कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। मींस का यूज़ करते हैं, मतलब क्या मीडियम यूज़ करते हैं वो लोग, क्या करते हैं कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, मतलब लोगों के साथ मिलके मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आपके जो मार्केटिंग पीपल होते हैं या जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके साथ मार्केटिंग करते हैं, और वो एंड किस पे होता है, प्रॉफिट तो वन करते हैं डेफिनेटली, बट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करके। यानी कि हमने 100 रुपये का प्रोडक्ट, उन्हें 100 रुपये में सिर्फ हमने 40 ग्राम्स प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये चीज़ नहीं है। आप 100 रुपये में अगर उनको 60 ग्राम्स 80 ग्राम्स प्रोडक्ट देते हो तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ माइनर सा डिफरेंस है सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट अगेन ये आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है जो कि फिलिप कॉटलर ने दी है। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनी एग्जामिनर्स एंड इंटरव्यूअर्स आस्क अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट डेफिनेशन बाय द फिलिप कॉटलर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन, दैट इज़ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन डिफाइन करी है। जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लगती है, सेटिस्फैक्ट्री लगती है, ईजी जल्दी लर्न हो जाती है, वो आप लर्न कर सकते हैं। ये कंडिफ एंड स्टिल ने दी है डेफिनेशन, एरिया ऑफ द मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग डेफिनेशन। इन्होंने के 3 गोल्स के ऊपर हाईलाइट करा है। 3 गोल्स क्या हैं, सेटिस्फैक्शन कस्टमर की नीड्स का प्रोवाइड करना, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अगेन मार्केटिंग डेफिनेशन दी है। द टर्म मार्केटिंग हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मार्केट। डेफिनेटली जब हम वर्ड मार्केटिंग बोल रहे हैं तो वर्ड वो कहाँ से आया है, मार्केट से आया है। मार्केट मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बोथ द बायर एंड द सेलर मीट्स टुगेदर, एक्सचेंज द गुड्स, बायर अपना गुड्स देता है और बायर मनी देता है एंड सेलर जो है अपने गुड्स देता है इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। मार्केट इज़ अ प्लेस और अ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स वो कहीं भी आप जो हर रीजन या हर एरिया में आप देख सकते हो एक मार्केट लगती ही है। वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं, एक ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजेक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम शॉपकीपर को अगर 15,000 रुपीज़ देते हैं
तो उस प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है, मतलब हम ये कह सकते हैं अब ये फ़ोन मेरा है, तो हम फ़ोन मेरा है तब कह सकते हैं जब हम उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हमारे पास हो जाती है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी होता है तभी आपकी एक मार्केट कहलाती है। नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन करा है मार्केटिंग को, अगेन ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है जो हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया था। ये भी कुछ आपके कुछ डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग की। फिलिप कॉटलर की बेसिक डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। ये मार्केटिंग की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। ये फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है। अच्छा, अब ये मार्केटिंग हमने पढ़ लिया, समझ लिया, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम बोलें कि बिकता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज तो हम समझ गए, चीज़ खाने की चीज़ें समझ गए, टेबल चेयर बुक्स नोटबुक बैग फूड आइटम्स ये सब हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मार्केट होती हैं। क्या होती हैं वो मार्केट? पहली चीज़ आपकी गुड्स हो गया। नेक्स्ट आता है प्लेसेस आर मार्केटेड। प्लेसेस मार्केटेड, यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट इन टीवी अबाउट प्रमोटिंग द ट्रैवलिज्म और टूर एंड ट्रैवलिज्म ऑफ मध्य प्रदेश, जो अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक मध्य प्रदेश का ट्रैवल एंड टूरिज्म जो जगह है उसका प्रमोशन या उसकी मार्केटिंग हो गई। या कोई एक प्लेस जहाँ हम कहते हैं विजिट करिए आने के लिए, मे बी या फन सिटी हो सकता है या एक आपका होटल हो सकता है, तो वो प्लेसेस जो जगह होती हैं वो भी आपकी मार्केट की जाती हैं। बाय वो हो सकता है बाय आपका कोई बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर उसके बारे में कहता हो, गुजरात के बारे में बहुत होता है, जम्मू कश्मीर के बारे में होता है। तो ये क्या है, ये जगह जो होती है मार्केट की जाती है, एक जगह है कि जहाँ पे आप विज़िट करिए, और जब आप विज़िट करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप अपना मनी एक्सचेंज मनी स्पेंड करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ मार्केट होती है, सर्विसेज। सर्विसेज लाइक डॉक्टर की सर्विस, टीचर सर्विस हो गया आपका, लॉयर की सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज भी मार्केट की जाती हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, प्रॉपर्टीज़ लाइक आपका अपार्टमेंट्स हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी, या आपकी जो शॉप हो गई रेंट पे लिया या ख़रीदी आपने, तो वो सारी चीज़ें आपकी मार्केट की जाती हैं। इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स मीन्स लाइक इवेंट, हम शादी इवेंट तो नहीं कहेंगे, इवेंट लाइक आपका ओलंपिक होता है या आपके जो अभी होता है आईपीएल होता है, मैचेस होते हैं, ये सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं। इनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसा मिलता है, लोग टिकट खरीदते हैं, तो वो ये इवेंट्स जो होते हैं मार्केट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी लाइक कंसल्टेंसी हो गई, एड एजेंसीज हो गई, ये भी मार्केट होती हैं। एक्सपीरियंसेस हो गए, अब एक्सपीरियंस लाइक कंसल्टेंसी, जहाँ आप जाके कोई एक्सपीरियंस परचेज कर रहे हैं किसी का, तो इन एक्सचेंज विद द एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो एक्सपीरियंसेस भी आपके मार्केट किए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन हो गई, अब इन्फॉर्मेशन मार्केट कैसे होगी, अब जैसे बहुत सारी क्या होती हैं एड एजेंसीज या जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, उनका काम क्या होता है, मार्केट रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में या कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है वो उन मार्केटिंग एजेंसीज से वो इन्फॉर्मेशन परचेज करती हैं, तो वो भी आपकी मार्केट या मार्केटेड की जाती है। लोग भी मार्केटेड होते हैं, लोगों के बारे में भी, जैसे यूट्यूबर्स हो गए आपके, वो आपके पर्सन जो है मार्केटेड हो गए, एंड इवन द आइडियाज़ में भी आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं। सीए हो गया, वो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे हाउ टू सेव योर मनी और हाउ टू सेव योर टैक्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटेड होती हैं। देन उसके बाद आपके यहाँ पर अगेन नीड्स एंड वॉन्ट्स को डिफाइन किया गया है। नीड क्या है, एक स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन है, दैट इज इंक्लूडिंग फिजिकल सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स ऑफ हंगर। वॉन्ट फ्रॉम दैट अपर्स ह्यूमन नीड्स टेक्स एज शेप्ड बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल। अब मे भी देखिए, भूख लगी है तो भूख लग मिटाने के लिए आप वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारी कल्चर और हमारे रिलीजन बेस्ड भी हो जाती हैं। जैसा मान लीजिए कोई प्योर वेज है तो ही विल नॉट ऑप्ट फॉर अ नॉन वेजिटेरियन मील टू क्वेंच हिज थर्स्ट और अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ही विल और शी विल टेक ओनली द वेज फूड।
अब ये दोनों चीजें शेप आगे कैसे लेती हैं, उन्होंने कहा वो डिमांड होता है, थर्ड ऑप्शन दैट इज ह्यूमन वॉन्ट्स विच आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। उन्होंने कहा अगर भूख लगी है, पिज्जा खाना है और पिज्जा खाने के पैसे नहीं हैं, अगर 200 रुपये नहीं है पिज्जा खरीदने के लिए, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ वॉन्ट तक ही रहेगा। अगर आपके पास 200 रुपये भी हैं और आप पिज्जा खरीद सकते हो मार्केट में और जाके ऑर्डर भी दे दिया आपने, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ एक डिमांड आई है बाय द कंज्यूमर और कस्टमर पिज्ज़ा खाने की। ये आपको नेक्स्ट नेचर ऑफ मार्केटिंग दे रखा है। नेचर ऑफ मार्केटिंग जब आप बुक लेंगे तो सिंपल हेडिंग में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पॉइंट वाइज डिफाइन कर रखा है। एक्सचेंज है मार्केटिंग में, क्या है एक्सचेंज इज़ द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। डेफिनेटली मार्केटिंग का एक जो में एक्सचेंज होना ज़रूरी है, एक्सचेंज किसी चीज़ का भी। अब किसी चीज़ का भी ऐसा नहीं है, हम पहले जो टर्म आता था आपका मार्केटिंग से पहले, वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक सामान आपने किसी से खरीदा तो बदले में आपको कोई सामान देना पड़ता था। जैसे अगर मेरे पास वीट ज़्यादा है और किसी के पास राइस ज़्यादा है, तो अगर मुझे राइस ख़रीदना है तो मैं थोड़ा सा वीट दे देती थी। ये बार्टर में होता था, वहाँ तब मनी नहीं था। अब जो मार्केटिंग का पॉइंट, अब हम बहुत एरा चेंज हो गया है, तो अब हम क्या जो भी एक्सचेंज करते हैं वो मनी के साथ करेंगे। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग इज़ कस्टमर एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड। डेफिनेटली जो मार्केटिंग आपकी स्टार्ट ही किसके साथ हो रही है, कस्टमर के साथ हो रही है। उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, तो वो शुरू ही आपका कंज्यूमर और कस्टमर से होता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर और कस्टमर। मार्केटिंग शुरू भी उन्हीं से होता है और ख़त्म भी कंज्यूमर और कस्टमर पे होता है। मॉडर्न मार्केटिंग प्रिसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। उन्होंने कहा वो प्रोडक्शन, डेफिनेटली मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो प्रिसीड भी करता है, सक्सीड भी उसके आगे प्रोडक्शन, यानी सिर्फ हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट पे नहीं है। मार्केटिंग इज ग्लोबल ओरिएंटेड एंड द गोल बीइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उन्होंने कहा डेफिनेटली मार्केटिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है, कि आपने कंपनी में पैसा लगाया है तो गोल्स तो अचीव करना ही है, प्रॉफिट इंक्रीज करना, सेल्स इंक्रीज करना, बट ऐसे ही नहीं कर देना। कंज्यूमर या कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको सेल करेंगे और उसके बाद हम सेटिस्फैक्शन अर्न करेंगे। मार्केटिंग इज एसेंस एज इज सॉरी मार्केटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस अगेन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं, जो आप कह सकते हो आइडियोलॉजीज होती हैं वो यूज़ करे जाते हैं। आर्ट इसलिए क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कंपनी बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाती है। क्या टेक्टिक्स लगते हैं, क्या एफर्ट्स लगते हैं, कितने एफर्ट्स लगाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को या कंपनी को मार्केट करने के लिए, वो सीखा जाता है। तो इसलिए ये साइंस भी है एज वेल एज एन आर्ट भी है। गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस क्या है, इट टेल्स व्हाट क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना है या कैसे प्रोड्यूस करना है। मार्केटिंग इज केपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम। सिस्टम कैसे चलता है, वो इनपुट मिलता है हमें कंज्यूमर से, कस्टमर से, उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, और उसके बाद हम आउटपुट देते हैं उन्हें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट बनाना भी है, प्रोडक्ट को पैकेज भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी सोचना है कि हमें डायरेक्ट बेचना है या हम रिटेलर में इन्वॉल्व करेंगे, और उसके बाद पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी हैंडी पैकेजिंग होनी चाहिए, स्मॉल पैकेजिंग, बिग साइज पैकेजिंग, देन उसके बाद ऐड कैसे करना है, सेल्स कैसे प्रमोट करनी है, तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं उसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें स्कोप ऑफ मार्केटिंग।